कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए, ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए, इंस्पेक्टर साहब सुनिए, अनुमति आप सुनिए 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 आप मेरी बात सुनो, हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली। हाँ तो मल्ली, और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं, आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया था मान सम्मान के लिए, आप हमारे ही कार्यकर्ता की हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, आप मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, आपके बुलाने तो मेरे, आप सुनिए मेरी बात, आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा बिना अनुमति, मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक रोक करूंगा अगर आप बिना अनुमति। सुनिए मेरी बात, आप सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भाई यार जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए, नहीं मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा इसमें। ये जो एक ऑडियो और एक वीडियो आया है जिसके बाद में आपने कहा कि आयोजन किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आयोजन की अनुमति मांगी गई थी एडीएम साहब के यहाँ से, और इसकी पद्धति होती है परंपरा कि एडीएम साहब फिर उसके बाद में स्थानीय पुलिस से इस पर रिपोर्ट मांगते हैं। पुलिस ने स्पष्ट रूप से उसमें इंगित किया है कि ये परंपरागत नहीं है, यदि कुछ वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व का जो बताया जा रहा है वो भी अक्टूबर के महीने में हुआ था, ना कि मई के महीने में, और उसमें भी जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी वो कंडीशनल थी, सशर्त थी कि उसको वहाँ पर हाईवे पर नहीं किया जाएगा और उसको अंदर गली में किया जाएगा। जहाँ तक उसके होने या न होने का प्रश्न है, ये निर्णय पुलिस प्रशासन परंपरागत होने के आधार पर, किसी भी धार्मिक आयोजन के परंपरागत होने के आधार पर, प्लस साथ साथ उसका जो है स्थानीय शांति व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, बहुत सारे बिंदु हैं जिसके आधार पर ये निर्णय लिए जाते हैं। पहली बात, नंबर दो जो दूसरी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हाईवे वगैरह को घेर के इस प्रकार के कार्यक्रम लंबे समय तक ये नहीं हो सकते, ये भी एक प्रकार की इसकी नीति निर्धारित है। और ख़ास तौर से अभी तो शासन के उच्चतम स्तर से इसके बारे में गाइडलाइंस आई हैं जिसको दोबारा रीट्रेट किया, गाइडलाइंस तो पहले भी थी, उसको रीट्रेट किया गया है कि इसको स्थानीय प्रशासन बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा। जहाँ तक इस वीडियो और ऑडियो का प्रश्न है, ऑडियो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑडियो तो उसको वो तो जाँच का विषय है कि किन लोगों के बीच की बात है। जहाँ तक वीडियो की बात है, हाँ वीडियो पर ये ज़रूर ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों जो दो पक्ष वहाँ मौजूद हैं उनके मध्य में कुछ गर्मा गर्मी हुई, कुछ शब्दों के चयन को लेकर वो ऐसी बात हुई। स्पष्ट रूप से प्रशासन का निर्णय, पुलिस का निर्णय इसमें पूरी तरह से स्पष्ट है, गैर परंपरागत कोई भी आयोजन और जो कि किसी प्रकार से भी शांति व्यवस्था पर कोई भी कुप्रभाव डालता हो उसको नहीं होने देंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। जहाँ तक लोगों के द्वारा इसमें बताए जाने का, चैलेंज किए जाने का प्रश्न है, उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जा रहा है, वार्ता की जा रही है, उनको बताया जा रहा है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इस बात को मध्यस्थों के माध्यम से बातचीत करके, देखिए निश्चित रूप से अगर कानून को कोई हाथ में लेगा और कोई इस प्रकार का जो है ज़बरदस्ती परंपरा को भंग करके कानून को धता बताकर अगर कोई इस प्रकार का आयोजन करने की दिशा में कोई कदम उठाता है जो कि परंपरागत भी नहीं है और शांति व्यवस्था को भंग भी करता है, तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी जो है हमको उद्यत होना पड़ेगा।